उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्ष में भारत में 90,000 स्टार्टअप्स और आज स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम आज देश के टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी पहुंच चुका है, हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा है, भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने कम समय में और कोरोना के विकट कालखंड में 108 यूनिकॉर्न बने हैं और एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है उसकी वैल्यू 6-7 हजार करोड़ से ज्यादा होती है। ये देश के नौजवानों ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्री डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में आज विश्व में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एनर्जी कंजम्पशन प्रगति के एक मानदंड माना जाता है, आज भारत एनर्जी कंजम्पशन में दुनिया में एक कंज्यूमर के रूप में तीसरे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में हम दुनिया में 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं। स्पोर्ट्स कभी हमारी कोई पूछ नहीं होती थी, कोई पूछता नहीं था, आज स्पोर्ट्स की दुनिया में हर स्तर पर भारत के खिलाड़ी अपना रुतबा दिखा रहे हैं, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं। एजुकेशन समेत हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। पहली बार, माननीय अध्यक्ष जी गर्व होगा, पहली बार हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट वालों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो गई। इतना ही नहीं, बेटियों की भी भागीदारी बराबर होती जा रही है। देश में इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पोर्ट्स के अंदर भारत का परचम ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, हर जगह पे हमारे बेटे हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी भारतीय को ऐसी अनेक बातें मैं गिना सकता हूं, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कई बातें कही हैं। देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है,
इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है। और क्या है, पिछले 10 साल में 2014 के पहले, 2004 से 14, भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा। 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले। लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी, बाघ दिखा करे क्या, तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर कानून दिखाया, तो कानून बना दिया है। अरे देखो कानून बना दिया है, ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। वही 10 साल यूपीए के, वो 10 साल कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था, चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी निराशा का कारण ये भी है, आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है,
लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। आज यूपीए की पहचान, यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे, ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, भारत को दुनिया के सामने भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में, पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सदी के दूसरे दशक में उचित नहीं है, यह संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं है। प्लीज बैठिए, नो बैठिए, बैठिए।